आ देख लो एवें ही नहीं डॉक्टर नू रब दा रूप कहा जाता। जी हाँ दस दिए कि जेडे मरीज का एक बार डॉक्टर ते विश्वास बन जाए चाहे डॉक्टर किसी भी हालत च पिया हो मरीज उसके कोल पहुँच ही जाते हैं। दरअसल एक वीडियो हुण सोशल मीडिया के उत्ते काफ़ी ज़्यादा तेजी नाल वायरल हो रही है जिस दे विच देखा जा सकता है कि एक शख्स बिस्तर के उत्ते लेटिया होया है हस्पताल दे विच ते उसके कोल मरीज जो ने वो पहुँच रहे ने इलाज करवाउण दे लई। दरअसल इस वायरल वीडियो की तुहानू असीं हकीकत दसण जा रहे हाँ कि दरअसल जो ये शख्स बिस्तर के उत्ते लेटिया होया है यह एक डॉक्टर है जिसकी कि लत का ऑपरेशन होया है ते इसके कोल एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है जिसनों कि पहला तो किसी दूसरे हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया पर उत्थे जो आराम ना मिलिया तो उस मरीज के परिवारक मैंबरां ने इस डॉक्टर नूं फोन किया। तो डॉक्टर का कहना सी कि उसकी खुद की लत का ऑपरेशन होया ते ओह किसी भी मरीज नूं चैकअप नहीं कर सकता जिस तो बाद जो मरीज के परिवारक मैंबर सी ओह अपनी जिद के उत्ते अड़ गए कि मरीज जो है लगातार तुहाडा ही नाम लै रहा कि तुहाडे कोल ही आके उसने अपना इलाज करवाना है तो उसकी जिद नूं इह डॉक्टर टाल ना पाया ते उस सारा ही परिवार मरीज नूं लैके इस डॉक्टर दे कोल पहुँच गया जिथे उस मरीज ने डॉक्टर नूं देखिया अते उसकी हालत दे विच सुधार होना शुरू हो गया ते जिस तों बाद डॉक्टर ने सुत्ते सुत्ते ही उसनूं चैक किया अते दवाइयां लिख के दे दित्तियां जिस तों कि हुण साबित हुंदा है कि डॉक्टर नूं एवें ही रब दा रूप नहीं कहा जाता क्योंकि एक डॉक्टर जो है कई लोगों की जान बचाउंदा है। इस मौके गलबात करदिआं होइआ डॉक्टर ने भी दस्सिया कि उसका पहला फर्ज है कि मरीज की जान नूं बचाउणा जेकर उसकी जिद है तो वह उसकी जिद नूं भी नहीं टाल सकिया तो उसनूं मजबूरन इस मरीज नूं देखना पिया। जी हां दस दिए कि खबर मंडी तो सामने आई है हिमाचल दे मंडी तो जिथे कि हुण यह वीडियो सोशल मीडिया से भी काफ़ी वायरल हो रही है जिस दे विच दस्सिया जा रहा है कि डॉक्टर की खुद की लत का ऑपरेशन होया सी ते जदों उसनूं एक मरीज का फोन आउंदा जिसकी कि हालत काफ़ी ज़्यादा सीरीयस हुंदी है तो वह डॉक्टर अपने आराम नूं छड्ड के उस मरीज नूं देखदा है। इनका मेरे को फ़ोन आया 12-1 जब मेरा ऑपरेशन के बाद मैं बेड में शिफ्ट हुआ मेरे को फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा पेशेंट है मेरा उनको जो है वो अंतिम सांस ले रहे हैं तो वो चाहते हैं कि एक बार लास्ट में आपके पास मतलब मिलना और आपको दिखाना मतलब उनका इच्छा अंतिम इच्छा थी ये। अब मैं अपना इसमें मेरा मैं अपनी टांगे सोचूँ मैंने सोचा मैं ना हिल पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा मैंने बड़ा दुविधा में था तो फिर भी मैंने उनको बोला चलो ठीक है आप लोगों किसी की इच्छा अंतिम इच्छा बेचारे क्यों किसी के मन की इच्छा को ख़त्म कर मतलब ऐसे पूरे ना होने देना मैंने कहा यहाँ ले आओ फिर मैं देख लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया वो नीरचौक मेडिकल कॉलेज में दाखिल थे उन्होंने अपने आप को DOR कराया वहाँ से और वो यहाँ ले आए मेरे पास ले आए तो फिर मैंने यहीं से उनको देखा और ट्रीटमेंट वगैरह डाली सारी। अब उसके उपरांत मैंने फिर उनको एडमिट कर दिया कैजुअल्टी में। अब ये एक देखो अभी एक देखो देखो जिस चीज़ के लिए हमने डॉक्टरी किया है एक मतलब ये है कि भाई हमारे हाथ से जितना हो सके मरीजों का भला हो। मैंने अपने को ना देखते हुए मतलब अपने मरीजों को लिए मतलब अपने लिए पूरे अपने मतलब पूरे मन धन तन सब जिस चीज़ से भी मेरी मतलब उनकी मदद हो सके मैं पूरी मदद करता हूँ। तो मैंने पूरी कोशिश की कि पूरी जितना हो सके बेचारे को मदद। अब वो जो हैं मतलब बहुत अभी मेरे पास उनके अटेंडेंट भी आए बोले सर अभी 20 या आपको देख के और उनके 20% 30% जो अभी वो अपन को ठीक महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर सबसे बड़ा विश्वास है मेरे को डॉक्टर दुष्यंत इसने मेरे को भी बचाया हुआ है मेरे भाई को भी बहुत सुविधा दी है बेचारे ने इसका भला करेगा भगवान आपका भी भला करेगा भगवान। अच्छा अब कैसा फील कर रहे हैं आप? अब ऐसा फील करता हूँ भाई यहाँ पहुँच गया जब मैं मंडी में तो मुझे हवा बढ़िया लगी अच्छा वातावरण है खुला है और ट्रीटमेंट मेरे फटाफट हो गई ऐसा लगा। पहले से ठीक है? पहले से मेरे को 10% 25% फर्क है। बिल्कुल सर देखो डॉक्टर खुद बेचारे बिस्तर पे हैं और गवर्नमेंट ऐसा तो है ना कि प्राइवेट है मतलब उन्होंने अच्छा उपचार दिया अच्छा डायग्नोसिस दिया मतलब उनका हम आभार व्यक्त करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी और आप पत्रकार बंधुओं का भी। इनको दिक्कत क्या है? इनको है सांस की प्रॉब्लम है इनको जी। कितने टाइम से? मतलब एक साल से है इनको। कहाँ ट्रीटमेंट करवा चुके हैं? इनको हम लुधियाना भी ले गए थे और नेरचौक में भी धर्मपुर में और मंडी तो यहीं परमानेंट ही चला हुआ इनका पहले से।